सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया, बट गाइस अगर आपको आज तक किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लोन नहीं मिला, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से आप बिना कोई इनकम प्रूफ अपलोड किए हुए, बिना कोई सिविल स्कोर अपलोड किए हुए, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट्स भी अपलोड किए हुए, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आसानी से लोन ले सकते हो। तो यह जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसका लिंक मैं वीडियो को में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियो के बीच में बता देंगे कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन है इसमें आपको मैं सभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर में अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और उसके ठीक सामने यहाँ पर आपको एक सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप जो भी फोन नंबर यहाँ पर दोगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर इंटर करके लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ पे OTP इंटर करके फिर लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके आगे का आपको स्टेप बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना। आधार नंबर का भी आप जैसे आप नंबर यहाँ पे इंटर कर लोगे फिर उसके सामने ठीक आपको सेंड OTP का ऑप्शन फिर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है OTP इंटर करके। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे आधार नंबर करके वेरीफाई आधार अपना कर ले, यानी कि मैं अपना आधार कार्ड को यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ, तो आप भी अपना यहाँ से आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने फिर इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है। पैन कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद सामने आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे अपना पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर इंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर अब आपको नाम इंटर करना है। अब जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहे हो, जिसका भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उसका यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। अगर आप खुद के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो तो गाइज अपना खुद का यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका मतलब जिस भी मतलब बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट चाहिए इसका लोन अमाउंट, वो आपको बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे कन्फर्म बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी ऊपर दोगे वही आपको अपना अकाउंट नंबर एंड नीचे भी यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड यहाँ पे इंटर कर देना है अपने बैंक का। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम ये सभी कुछ फिलअप करके सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पर अब आपको रेफरेंसी नंबर मतलब डिटेल्स यहाँ पर देना है। तो रेफरेंसी डिटेल्स में गए अपने फैमिली मेम्बर का मतलब दोनों मतलब 4 नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है। आपको 4 नंबर देना है जो इमरजेंसी में आपको ये लोन एप्लीकेशन आपके मतलब कॉन्टेक्ट कर सके। तो गाइज आप अपना यहाँ पर फोन नंबर किसी का भी यहाँ पर आप देख सकते हो, दे सकते हो अपने फैमिली मेंबर में से गाइज किसी का भी आप दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर नंबर इंटर करके सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर अपना यहाँ से सेलेक्ट करना है, यानी कि वर्क डिटेल्स यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका वर्क डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप में अगर आप सैलरीड पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी इंटर कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर करने के बाद नीचे आपको कंपनी का नाम इंटर करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई कंपनी में अगर आप जॉब नहीं करते हो, खुद का दुकान है या मतलब आप मतलब का खुद का मतलब बिजनेस है कुछ भी है गाइस, तो वो नाम अपना यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दुकान होगा तो आपके दुकान का नाम होगा, तो वो दुकान का नाम भी इंटर यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका मतलब कंपनी का फुल एड्रेस देना है, यानी कि अगर आपका कोई दुकान या अगर आप अगर कहीं काम भी करते हो तो वहाँ का आपको फुल एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पर दे देना है। मंथली इनकम में आप जितना भी महीना कमाते हो वो मंथली इनकम आपको यहाँ पर अपना दे देना है। मंथली इनकम देने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना बैंक का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों आपको
अपने बैंक का यहाँ पे 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। यानी दोस्तों आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि शुरू में मतलब बोले कि मतलब मैं मतलब बिना बैंक स्टेटमेंट्स का भी आप लोन ले सकते हो गाइज, तो गाइज आप वेट करो गाइज, मैं उसका भी बताऊंगा कि आप बिना बैंक स्टेटमेंट्स का बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप कैसे लोन ले सकते हो, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको 6 मंथ का अपना अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आपको सैलरी मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, आप जो भी मतलब स्टेटमेंट्स अगर आप यहाँ से PDF में अपलोड करते हो तो आपका PDF का जो भी पासवर्ड होगा तो वो पासवर्ड आप इंटर कर सकते हो। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप सीधा यहाँ से नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये सभी कुछ फिलअप करके यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा पेंडिंग में बता रहा है कि मेरा जो अभी जो भी मैंने दिया गया सभी कुछ मेरा यहाँ पे पेंडिंग में बता रहा हूँ। यहाँ पर बोला है 6 से 12 घंटा, बट गया ये 6 से 12 घंटा नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर में ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे से 10 से 15 मिनट के बाद में इस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं लॉग इन करता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं वहाँ से 26 से 27 मिनट के बाद में इस एप्लीकेशन को अभी लॉग इन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि मुझे यहाँ पे लोन ऑफर यहाँ पे दिखा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे काफ़ी सारा लोन ऑफर मिला, यहाँ पर देख सकते हो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 एंड उसके आगे भी अगर चलते गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14,000, 15,000 एंड मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 16,000 तक का इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन दिया जाता है। बट गाइज अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेते हो तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना, जो देख सकते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप यहाँ से 5,000 का लोन लेते हो तो 10 दिन के लिए मिलेगा, 6,000 का लोगे फिर भी 10 दिन के लिए, 7,000 का लोगे फिर भी 10 दिन के लिए, अगर आप 8,000 का लेते हो फिर भी आपको यहाँ से 10,000 मतलब 10 दिन के लिए ही लोन मिलेगा। अगर फिर अगर आगे आ जाते तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 14 दिन के लिए लेते हो यहाँ से मतलब 14,000 का लोन तो 14 दिन के लिए दिया जाएगा, अगर 15,000 का लोन लेते हो फिर भी 14 दिन के लिए, अगर 16,000 का लोगे फिर 18 दिन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा लोन ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ से आपको पहला देख लेना है कि आपको रिपेमेंट डेट की आपको कितने दिन के लिए लोन एप्लीकेशन लोन देता है। अगर आपको इतने दिन के लिए अगर आपको लोन चाहिए गाइस तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो गाइस। तो मैं यहाँ से 15,000 का यहाँ से लोन अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन में मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया उसका देख सकते कि मेरा यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। अमाउंट आने के बाद यहाँ पर देख सकते मेरा इंटरेस्ट रेट 600 रुपये लगेगा, कन्वर्सी फी मुझे यहाँ पे 1200 रुपया लगेगा अगर मैं यहाँ से 15,000 का लोन लेता हूँ तब, और प्रोसेसिंग फीस 1800 रुपया, और GST मतलब जो मेरा लगेगा 540 रुपया, और मुझे 14 दिन में इनको रिपेमेंट करना है, और मेरे अकाउंट में जो पैसा आएगा 10,860 रुपया ही मेरे अकाउंट में आएगा। और ये जो लोन अप्लीकेशन है अगर ये 15 दिन अगर ये मुझे 14 दिन के लिए अगर ये लोन देता है 15,000 का गाइस तो ये मुझसे लगभग 4140 रुपये ये मुझसे ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पे अगर आपका रिपेमेंट डेट में अगर आपका एक दिन भी अगर आपका लेट होता है, जैसे 14 दिन के अंदर में अगर आप रिपेमेंट नहीं करते, अगर आप 15 दिन आपका हो जाता है पर डे आपको यहाँ पे 450 रुपये इनको फाइन देना पड़ेगा, जो देख सकते हो गाइस, ठीक। तो अब आपको इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैं वहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक किया तो उसका देख सकते हैं कि मेरा वेरिफिकेशन यहाँ से पेंडिंग में बता रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है 24 से 48 घंटा के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट गाइस 24 से 48 घंटा नहीं, ये 15 से 20 मिनट या आपको मतलब मैक्सिमम आपको 1 आवर तक समय लेता है ये एप्लीकेशन आपके अकाउंट में यहाँ से पैसा भेजने में। तो दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन है अब चलिए इसका बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंड फंड स्टैंड लोन ऐप है, जो यही लोन एप्लीकेशन है जिसमें मैंने आपको अभी लोन आपको अप्लाई करके भी दिखाया गया। और इसका जो गाइज मुझे काफ़ी बुरी बात जो यही लगा जो इसका इंटरेस्ट रेट GST ये सब आपको प्रोसेसिंग फीस काफ़ी हाई तो है, और ये आपको ओनली फॉर 14 दिन के लिए लोन देगा। अगर मैं यहाँ से अगर 15,000 का अगर मैं यहाँ से लोन लेता हूँ और 14 दिन के लिए लेता हूँ तो मुझे जो इसका मतलब 10,860 रुपये ही मेरे अकाउंट में आएगा। तो मुझे ये बहुत ही ख़राब इस लोन एप्लीकेशन का ये लगा। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है तो सेम आप इसी प्रोसेस से कर सकते हो गाइज, ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग गलती क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने टाइम में इंस्टेंट्स अलग लिख देंगे और उसके बीच में स्पेस देके, और अगर आप फंड यहाँ पर सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको कहीं भी दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट्स एंड फंड दोनों को यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना, आपको ऐसे करोगे फिर ये लोन एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको काफ़ी कम मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ काफ़ी कम प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन चाहिए, और आपको मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं अपलोड करना है, कोई भी सिविल स्कोर भी नहीं आपको अपलोड करना है, फिर भी अगर आपको लोन चाहिए दोस्तों तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 50 लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए ही उन 50 लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें आपको मतलब काफ़ी कम मतलब आपको गाइज ना के बराबर आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट रेट लगेगा गाइज,
आपको जीएसटी भी काफी कम लगेगा। तो गाइस मैंने काफी रिसर्च करके उन 50 लोन एप्लीकेशन को वीडियो बनाया हुआ गाइस, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना है गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।